फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पांचवी सूची में रैगांव से एक बार पुनः प्रतिमा बागरी पर अपना भरोसा जताया है। लोग कह रहे थे कि सर्वे में सबसे ऊपर पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी का नाम है। यदि सर्वे में पुष्पराज बागरी का नाम था तो फिर प्रतिमा बागरी को टिकट कैसे मिल गई? प्रतिमा बागरी को टिकट मिलने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सतना जिले में दो महिलाओं को टिकट देकर महिला कार्ड खेला, या यूं कहें कि महिला वोटरों को रिझाने का प्रयास किया। यदि भारतीय जनता पार्टी सतना जिले में एक भी टिकट महिलाओं को नहीं देती तो कांग्रेस महिलाओं के बीच में जाकर इस बात का प्रचार करती कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। देश की संसद में महिला आरक्षण तो ले आती है, लेकिन हर जिले में महिलाओं को सपोर्ट नहीं करना चाहती, महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहती, महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा तक नहीं भेजना चाहती। यदि कांग्रेस दो महिलाओं को टिकट नहीं देती तो बहुत संभव है कि प्रतिमा बागरी का टिकट खटाई में पड़ सकता था, लेकिन प्रतिमा बागरी की किस्मत बुलंद थी जिसके चलते उन्हें टिकट मिल गई। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि प्रतिमा बागरी उपचुनाव हारने के बाद लगातार जनता के बीच में बनी रही। पुष्पराज बागरी लाख दावा करते रहे कि वह रायगांव विधानसभा सीट जीत सकते हैं, लेकिन उनके विपक्ष में उनके विरोधियों ने यह दलील भी दी कि पुष्पराज बागरी एक बार जुगल किशोर बागरी के जिंदा रहते विधानसभा चुनाव लड़कर हार भी चुके हैं, और यहाँ तक कि पुष्पराज बागरी पिछली बार जिला पंचायत चुनाव लड़े और बुरी तरह से पराजित हो गए। यदि उन्हें विधानसभा टिकट दी जाती है तो वह चुनाव कैसे जीतेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रतिमा बागरी को टिकट मिलने के बाद रायगांव क्षेत्र में इस बात की चर्चा तेजी से चल पड़ी है कि जुगल किशोर बागरी की राजनैतिक रियासत करीब करीब अब खत्म सी हो चुकी है। पुष्पराज बागरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वंदना बागरी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उम्मीद की जा रही थी कि वंदना बागरी को कांग्रेस टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत संभव है कि वंदना बागरी कांग्रेस में जब शामिल हुई, इस बात का भी पुष्पराज बागरी की टिकट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। पुष्पराज बागरी के विरोधियों ने यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार को एकजुट नहीं रख सकता, जो व्यक्ति अपने घर परिवार की वोट नहीं ले सकता, वह व्यक्ति आम जनता की वोट कैसे हासिल करेगा। इस लिहाज से भी प्रतिमा बागरी का पलड़ा पुष्पराज बागरी पर भारी पड़ गया। अब रायगांव विधानसभा सीट की भी तस्वीर साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से प्रतिमा बागरी, कांग्रेस पार्टी से कल्पना वर्मा जो वर्तमान में विधायक हैं, और बहुजन समाज पार्टी से देवराज अहिरवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook पर भी लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।